मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जवाहर पार्क में 125 जोड़ों का विवाह हुआ। इस मौके पर सांसद सतीश गौतम, शहर विधायक संजीव राजा, कुल विधायक अनिल पारेश्वर, महंत योगी कौशल नाथ महाराज और मुख्य विकास अधिकारी दिनेश चंद्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने नवागत जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। सांसद सतीश गौतम ने कहा कि प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई है वो सराहनीय है, क्योंकि केंद्र व प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं को पात्रों को दिलाया जा रहा है। यही सबका साथ सबका विकास है। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ है। शहर विधायक संजीव राजा व कुल अनिल पारेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ, ये सराहनीय है और सरकार का उद्देश्य है कि सबको साथ लेकर चले। अरे भैया सीधे घूमो, ऐसे बताया ना एक बार आपको। धर्म और जाति के लोग आए हैं। हरि ओम महाभूतेश्वर सहस्रदीर्घा प्रभा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभो विघ्नं सर्वापस्तद्वाद्य निष्ठतसांगुलं स्वाहा। ॐ पुरुष एवेदद्वं सर्वञ्जधूतं तस्य भाव्यं मा हुतामृतमसीये सानोजदं नैनात्रोहि नारायणाय स्वाहा। ॐ एतावानस्य महिमा दोज्या याश्वरकः पादस्य विश्वाहूतं सपादस्यामृतं देवी नारायणाय। आपका एक मिनट, क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि कौन सी क्लास में पढ़ती हो अभी आप? 10th। कौन से स्कूल में पढ़ रही हो? जमुना खंड इंटर कॉलेज टप्पर। कितनी उम्र है तुम्हारी? 16। ये बताइए अभी इतनी जल्दी क्यों घर वालों ने शादी कर दी? बड़े लड़के के साथ है ना। क्यों कर दी इतनी जल्दी बेटा? बहन के साथ है बड़ी के। अरे बहन की भी शादी है? है और मैं यहाँ सामूहिक विवाह जो हमारे वजीर आला मुख्यमंत्री हैं यूपी के योगी जी, तो उनका ये तरफ से ये सामूहिक विवाह है जो कि मैं निकाह पढ़ाने आया हूँ यहाँ मुस्लिम लड़कियों का। कितनी लड़कियों का निकाह पढ़ा रहा है? ये 4 लड़कियों का निकाह पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या कहेंगे आप इस योजना के लिए? ये बहुत अच्छी योजना है, जो गरीब बच्चे बच्चियाँ हैं उनका मतलब शादी होना मुश्किल होता है, और ये बहुत अच्छा संदेश है, मुख्यमंत्री का पैगाम है जो ये पैगाम ये सामूहिक विवाह करा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है जो एक साथ सामूहिक विवाह हो रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के तहत अलीगढ़ जवाहर पार्क में शादी समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पूरे हमारे विधायकगण, स्वयं मैं यहाँ उपस्थित होकर सभी को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह बड़े धूमधाम से, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन पर सामूहिक, इतनी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इन जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में खुशियाँ लाएं और आगे बढ़े। सर देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम सब मुस्लिम से ईसाई सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी ने कहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं योगी जी चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, यहाँ मुस्लिम में सिख हैं ईसाई हैं सब का एक साथ सामने 125 जोड़ों की शादी। ठीक है मुख्यमंत्री जी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में 125 ग्रामीण क्षेत्र के जोड़ों का यहाँ पर विवाह सम्पन्न कराया गया है। इस विवाह की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सभी धर्मों के मुस्लिम हिंदू सिख इत्यादि सभी धर्मों के जोड़ों यहाँ पर आए हैं और एक सुखद वातावरण है। भगवान सूर्य भगवान की कृपा रही, मौसम कल खराब था, हम लोग भी परेशान थे लेकिन आज बहुत अच्छा वातावरण रहा और आप देख सकते हैं सभी परिजनों ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ इस विवाह कार्यक्रम में सजाई गई। अरे नजरानी क्या कहेंगी आज जो शादियाँ हो रही हैं इनके लिए? बराबर सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा और लोगों के लिए क्या कहेंगी जो लोग शर्म करते हैं ऐसी जगह शादी करने के लिए? वो हिस्सा लें बढ़ चढ़ के बिना दहेज के शादी हो रही है। क्या कहेंगे आज शादी हो रही है आपकी? शादी हो रही है, सबके सुपारी रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं। हाँ कैसी खुशी हो रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सरकार के लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? देखिए तो क्या संदेश, मतलब ऐसी जगह शादी होने से क्या किस तरीके की बढ़ना देंगे? और बेटियों के लिए सरकार ने सही कराया? सरकार ने सही कराया और दोनों का गठजोड़ अच्छा है।